देखिए सामने तुतला भवानी वाटरफॉल। इतनी दूर आने के बाद अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ ड्रोन अलाउ नहीं है तो सोचिए मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। तो इस वक्त हम हैं तुतला भवानी वाटरफॉल, जो कि बहुत बड़ा वाटरफॉल है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ऊपर से पानी डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी अंदर सस्पेंशन ब्रिज है, उस पर जाएंगे तो देखिए आप आसपास का नज़ारा देखिए, चारों तरफ से बहुत ऊंचा पहाड़ है। इधर देखिए, इधर आप देखेंगे तो अगर एक नज़र से देखेंगे तो चक्कर आ सकता है, क्योंकि इतनी हाइट है इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा पहाड़ गिरने वाला है। देखिए कम से कम बोला जाता है 1500 फीट ऊंचा, यानी 100 तल्ला इतना ऊंचा ये है। तुतला भवानी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे तुतला भवानी का मंदिर है, एकदम झरने के पास है, तो लोग यहाँ पे पूजा करने भी आते हैं। भीड़ ज़्यादा होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, और हम लोग आए हैं खासकर इस वाटरफॉल को देखने। तो हम लोग चलेंगे अभी सस्पेंशन ब्रिज में और इसका नज़दीक से नज़ारा करेंगे। और इधर देखिए, इधर भी चारों तरफ से पहाड़ी है। यहाँ पे अगर आना है आपको तो सेम वही रूट है, देहरी से रोहतास वाली जो रोड है, आप देहरी से 15 किलोमीटर तिलौथू आएंगे, तिलौथू से एक गेट बनाया हुआ है, आपको साफ पता चल जाएगा तुतला भवानी का वाटरफॉल लिखा हुआ है। हम लोग सस्पेंशन ब्रिज पे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो तुतला भवानी का यही मज़ा बहुत काफ़ी है कि पानी बहुत हाइट से गिरता है, जो पानी का फव्वारा है यहाँ तक आता है। बहुत इंजॉयफुल जगह है, बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ आकर आप। तो ये भी रोहतास पहाड़ी का ही रेंज है, तो मैंने बताया है कि यहाँ 200 से ज़्यादा झरने हैं। कहाँ कहाँ आप जाइएगा तो कुछ 15 से 20 झरने ऐसे हैं जिसमें लोग जाते हैं, और झरने बहुत दूर पड़ जाते हैं, ना कोई रास्ता है ना कोई लोग वहाँ जाते हैं, तो जो जिनको जाना होगा तो वो पैदल जा सकते हैं। बहुत ही हाइट से पानी गिर रहा है, आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, बस सामने से आप देखेंगे तो डर जाएंगे कि इतनी हाइट। देखिए सामने वाली जो पहाड़ी है कितना ऊंचा है, और एक सस्पेंशन ब्रिज से होते हुए आप तुतला भवानी मंदिर है सामने। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए जो एकदम झरने के पास ही है। तो यहाँ पे भीड़ इसीलिए होती है क्योंकि एक धार्मिक स्थल भी है, और मेरे साथ चेला इसरार भी है। एक नाराज़गी वाली बात मुझे जो पसंद नहीं आई यहाँ पे, कि ड्रोन कैमरा अलाउ नहीं था, ये कोई बात तो नहीं हुई। ऐसी ऐसी जगह का ड्रोन भी होना चाहिए, इसीलिए बिहार पीछे रह जाता है, बिहार को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। मूड ख़राब हो गया, फिर भी सीन देखकर बहुत मज़ा आया। अगर आप ड्रोन का नज़ारा करते तो बहुत ही मज़ा आता आपको। खैर दूर से इसका व्यू लेते हैं, अभी सस्पेंशन ब्रिज पे हैं, पार कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा उदास हूँ मैं, क्योंकि खासकर ड्रोन शॉट्स लेने आया था यहाँ पे,
इसका नज़ारा अगर देखते ड्रोन से तो बहुत मज़ा आता आपको। तो थोड़ी उदासी है, औरंगाबाद से 50 किलोमीटर आया हूँ, डिहरी से 25 किलोमीटर और हरियरगंज से जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर 70-75 किलोमीटर। इतनी दूर आने के बाद अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ ड्रोन अलाउ नहीं है तो सोचिए मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, क्या नज़ारा है इसका फील करने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही खूबसूरत जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद।